हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर की। सॉल्यूशन फिजिकल केमिस्ट्री का एक इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि इस चैप्टर से बोर्ड्स के लिए तो क्वेश्चन आते ही हैं, इसके अलावा जेई में, नीट में, इन सब में भी सॉल्यूशन चैप्टर से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड के लिए तो 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन चैप्टर से ही होता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, इस सॉल्यूशन चैप्टर को, और आने वाले सेशंस में हम लोग इसको पार्ट बाय पार्ट करके, टॉपिक बाय टॉपिक करके कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये सॉल्यूशन होता क्या है। तो उसके लिए मैंने एक पहले से ही डायग्राम बना रखा है ताकि थोड़ा सा टाइम आपका बच सके। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं ये सब्सटेंस क्या होता है, यही से हमने क्लासिफाई करना स्टार्ट किया है। तो सब्सटेंस बोले, मैटर बोले, एक ही चीज़ है। अब ये जो सब्सटेंस है इसको प्योरिटी के बेसिस पर दो टाइप का हम लोग क्लासिफाई कैटेगराइज कर सकते हैं। सब्सटेंस कैन आइदर बी इन द फॉर्म ऑफ प्योर और इट कैन बी इम्प्योर ऑल्सो। सब्सटेंस जो है या तो शुद्ध होंगे पदार्थ, या तो शुद्ध होंगे या तो अशुद्ध होंगे। तो जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं, उनको फर्दर फिर से दो टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं हम लोग, कि अगर एक प्योर सब्सटेंस है तो दैट कैन आइदर बी इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड ऑल्सो। अब मेरे ख्याल से एलिमेंट क्या होता है तो आप जानते होंगे कि द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, मतलब पदार्थ का वह शुद्धतम रूप जो केवल एक ही तरह के एटम के मिलने से बना हो, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। इनको सिम्बॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तक 118 एलिमेंट जो है नोन है। उसके बाद कंपाउंड क्या होता है, तो ये भी प्योर फॉर्म ऑफ ही सब्सटेंस है कि द प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ एटम मिक्सिंग इन अ फिक्स रेशियो। इस वर्ड पर ध्यान दीजिएगा कि जब एक फिक्स रेशियो में दो या दो से अधिक टाइप के सब्सटेंस आपस में मिक्स होते हैं तो जो बनता है उसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। अब जब रेशियो फिक्स है तो इसका मतलब इसको रिप्रेजेंट करते होंगे हम लोग फॉर्मूला से, एलिमेंट को सिंबल से, कंपाउंड को फॉर्मूला से। अब हम लोग बात करते हैं इम्प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस यानी मिक्सचर की। तो मिक्सचर क्या होता है, तो जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि एक इम्प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस है, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि द इम्प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ एटम मिक्सिंग इन अनफिक्स रेशियो, यानी दो या दो से अधिक टाइप का एक एटम जब अनफिक्स रेशियो में मिलता है तो वो मिक्सचर बनाता है। अब अनलाइक एलिमेंट एंड कंपाउंड, जैसे एलिमेंट को सिंबल से, कंपाउंड को फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते, तो मिक्सचर का केवल नाम हो सकता है। क्लियर है। अब इसी मिक्सचर से हम लोग सॉल्यूशन समझेंगे। अब मिक्सचर दो तरह के होते हैं, पहला इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड द सेकेंड वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग समांग मिश्रण और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को विषमांग मिश्रण भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है होमोजीनियस मिक्सचर, तो एक ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म थ्रू आउट हो, मतलब वो पूरी तरह से मिक्सअप रहता हो और जिसको फिजिकल सेपरेशन मेथड से सेपरेट ना कर सके, अ टाइप ऑफ मिक्सचर हुज कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई सिंपल फिजिकल सेपरेशन मेथड। सिंपल फिजिकल सेपरेशन मतलब हैंड पिकिंग, सीविंग, विनोइंग, फिल्टरेशन, ये सब, तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अगर आपको एग्जाम्पल दें तो जैसे एयर है, अब एयर में तो कई सारे गैसेज प्रेजेंट हैं और उनका कंपोजिशन भी फिक्स नहीं है। कहीं हो सकता है ऑक्सीजन ज़्यादा हो, कहीं कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो, कहीं मीथेन गैस की मात्रा हो, कहीं क्लोरीन प्रेजेंट हो, कहीं नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, लेकिन उसका कंपोजिशन तो फिक्स नहीं है। लेकिन ये फिक्स ना होते हुए भी यूनिफॉर्मली मिक्सअप हैं, मतलब आप बता नहीं सकते हो कि कहाँ नाइट्रोजन है, कहाँ हाइड्रोजन है, कहाँ ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब ये कंपोजिशन इसका जो है यूनिफॉर्म थ्रू आउट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अब ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, तो इसको अलग से समझते हैं कि ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म रहे थ्रू आउट एंड विच कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल सेपरेशन मेथड, सरकार कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मतलब जिनका कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म रहे थ्रू आउट और जिसको हम लोग फिजिकल सिंपल फिजिकल सेपरेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे राइस में स्टोन है, चावल में कंकर मिला हुआ, उसको आसानी से निकाल लेंगे। पानी में सैंड मिला हुआ तो बॉटम में बैठ जाएगा, देख के ही पता चल जाएगा कहाँ सैंड है, कहाँ वाटर है। सो तो ऐसे मिक्सचर सब जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल होता है कोलाइडल और सस्पेंशन, जबकि होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इन तीनों के बारे में डिटेल पढ़ने के लिए एक अलग चैप्टर है, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री, वहाँ हम लोग इस सबको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ चूंकि हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो केवल होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में ही पढ़ते हैं। अब समझते हैं ये सॉल्यूशन क्या है। तो पहली बात तो ये आपको क्लियर है कि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। अब ये होमोजीनियस मिक्सचर कितने सब्सटेंस का हो सकता है, तो दो,
दो तीन चार पाँच कितने भी सब्सटेंस का हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि वो एक सर्टेन एक्सटेंडेड लिमिट तक में ही मिक्स हो। सर्टेन एक्सटेंडेड लिमिट का मतलब ये हुआ कि जैसे एक ग्लास पानी ले लिए, उसमें नमक घुलना स्टार्ट किए, तो एक चम्मच एक स्पून नमक अगर इसमें डिजोल्व करेंगे वो आसानी से घूम जाएगा, घुल जाएगा, यूनिफॉर्मली कंपोजिशन भी होगा। दो चम्मच घोलेंगे घुल जाएगा, लेकिन सपोज 10 चम्मच घोल दे, अब क्या होगा? तो इसमें ये है कि जितनी सॉल्युबिलिटी होगी उतना तो डिजोल्व होगा, लेकिन बचा हुआ तो बॉटम में डिपॉजिट हो जाएगा। इसका मतलब कंपोजिशन क्या हुआ, तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तो डिजोल्व करना है लेकिन एक सर्टेन एक्सटेंडेड लिमिट तक ही डिजॉल्व करना है, चाहे दो को करे, तीन को करे, पांच को करे, जितनी कैपेसिटी है उतना ही डिजॉल्व करना है। तो यहां से सॉल्यूशन का डेफिनेशन हम लोग समझ लें कि सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स मिक्सिंग इन अ सर्टेन एक्सटेंडेड लिमिट। अंडरस्टूड? अब जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट भी हो सकता है, कम से कम दो होगा, ज्यादा भी हो सकता है, तो सॉल्यूशन का थोड़ा सा टाइप समझ लेते हैं हम लोग कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पर ये सॉल्यूशन कितने तरह का होता है। तो पहला सॉल्यूशन, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी कंप्यूटर में आपने पढ़ा होगा, जीरो और वन, ये दो डिजिट है, इनको बाइनरी बोलते हैं, यानी कि दो डिजिट हुआ। तो बाइनरी सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसमें टू कंपोनेंट्स होते हैं, दो कंपोनेंट अगर प्रेजेंट है, तो दैट इज बाइनरी सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, पानी और एसिड, पानी और नमक, पानी और चीनी, तो ये जो कंपोजिशन है इसमें, ये जो कंपोजिशन है इनमें दो ही कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, तो ये सब बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएंगे। तीन कंपोनेंट वाला भी हो सकता है, जैसे चीनी, पानी और उसमें नमक भी मिला दिए तो तीन कंपोनेंट हो गया। तो तीन कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं टर्शियरी सॉल्यूशन। इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट तीन होंगे। चार कंपोनेंट भी हो सकता है, जैसे नमक, चीनी, पानी और उसमें थोड़ा सा एसिड भी मिला दिए, नींबू का रस भी मिला दिए, तो चार कंपोनेंट हो गया। तो चार कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन को क्वाडनरी सॉल्यूशन। अब इसमें चार कंपोनेंट है, पांच भी हो सकता है, छह भी हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम लोग को सारा नहीं पढ़ना, वी ओनली हैव टू स्टडी अबाउट द बाइनरी सॉल्यूशन इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इसमें सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बाइनरी सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट है। अब इन दो कंपोनेंट्स को हम लोग, एक को सॉल्यूट और एक को सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं अब ये सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, यानी कि हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन को। अंडरस्टूड? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स के बारे में। तो हम लोग बात कर रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स की। तो बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे और उन दो कंपोनेंट्स को सॉल्यूट एंड दूसरे को सॉल्वेंट के नाम से जाना जाता है। अब ये सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। सॉल्यूट को हिंदी में बोलते हैं विलय, जो घुलता है, और सॉल्वेंट को हिंदी में बोलते हैं विलायक, जिसमें घुलता है। अब ये सॉल्यूट क्या है ये देखिए, तो किसी सॉल्यूशन के अंदर, मतलब बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर जो सब्सटेंस डिजॉल्व होए दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट, और ये कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है एक सॉल्यूशन के अंदर, मतलब अ डिजॉल्विंग सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूट, इट इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी इन अ सॉल्यूशन। जैसे वही पानी और नमक का अगर सॉल्यूशन बनाते हैं और पानी ज़्यादा है, नमक एक चम्मच मिलाते हैं, तो नमक यहाँ पर सॉल्यूट है, ठीक। अगर वाटर में एसिड मिला देते हैं, थोड़ा सा एसिड मिलाते हैं, तो एसिड जो है वो सॉल्यूट है। और ये सॉल्वेंट क्या होता है, तो सॉल्यूट जिसमें डिजॉल्व होए उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट, मतलब अ सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट इज बीइंग डिजॉल्व्ड इज कॉल्ड सॉल्वेंट। वैसे सब्सटेंस जिसमें सॉल्यूट को मिलाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। इट इज़ प्रेजेंट इन सफिशियंट क्वांटिटी इन अ सॉल्यूशन, ये ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में। एक बात और ध्यान रहे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से बनता सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन का स्टेट वही होगा जो सॉल्वेंट का स्टेट है। यानी अगर सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में पाया जा रहा है तो सॉल्यूशन विल ऑल्सो बी फाउंड इन सॉलिड स्टेट। अगर सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड स्टेट का होगा। सॉल्वेंट अगर गैसियस फॉर्म में है तो सॉल्यूशन भी दिखने में गैसियस फॉर्म में ही लगेगा।
तो इन्हीं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से सॉल्यूशन बनता है। तो जब इन्हीं दोनों के मिलने से बनता है तो हम लोग कह सकते हैं कि जब एक सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट आपस में मिक्स हो तो ये सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फॉर्म सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन कई तरह का हो सकता है कंपोजिशन के बेसिस पर। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट तो बाइनरी सॉल्यूशन के सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं, लेकिन इनके मिक्स करके अलग अलग हम लोग तरह का सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, अब हम लोग समझते हैं कितने तरह का सॉल्यूशन होता है। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कंपोजिशन के बेसिस पर सॉल्यूशन कितने तरह का होता है। तो देखिए कंपोजिशन के बेसिस पर देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और वो 9 टाइप्स कौन कौन से हैं। तो कंपोजिशन तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का ही होगा, तो हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट और उससे बनने वाला सॉल्यूशन, और यहाँ इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि सॉल्यूट जो है वो सॉलिड हो और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो, इसका मतलब सॉलिड मिला हुआ है सॉलिड में, एक ऐसा सॉल्यूशन होगा। दूसरा एग्जांपल लिक्विड, ये मिला हुआ है सॉलिड में, यानी लिक्विड इन सॉलिड। तीसरा एग्जांपल गैस, ये भी मिला हुआ है सॉलिड में। ये तीन तरह का सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह से फिर से सॉलिड, ये मिला हुआ है अब लिक्विड में, फिर लिक्विड, ये मिला हुआ फिर से लिक्विड में, और गैस, ये भी मिला हुआ है लिक्विड में। तो ये तीन और हो गए कंपोजिशन सॉल्यूशन के। अगला सॉलिड, ये मिला हुआ है गैस में, लिक्विड, ये भी मिला हुआ है गैस में, और एक गैस, ये भी मिला हुआ है गैस में। तो तीन और हो गए। तो कुल मिलाकर के कंपोजिशन के बेसिस पर देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ ये ध्यान देना है, मैंने आपको बताया कि सॉल्वेंट जिस स्टेट में पाया जाएगा सॉल्यूशन का भी वही स्टेट होगा। तो इन तीनों कंडीशन में सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट के है, यानी कि सॉल्यूशन भी सॉलिड जैसा दिखेगा। इन तीनों कंडीशन में सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट के हैं, यानी सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा, और इन तीनों कंडीशन में सॉल्यूशन जो है गैसियस फॉर्म में पाए जाएंगे, क्योंकि सॉल्वेंट हमारा गैसियस स्टेट का है। अब इन सब का एग्जांपल समझ लेते हैं। तो जैसे सॉलिड मिला हुआ है सॉलिड में, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो एलॉय हो सकता है, कि एलॉय जो है वो ऐसे भी होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स और मेटल एज वेल एज नॉन मेटल होता है। तो हम लोग सॉलिड सॉलिड का एग्जाम्पल में सबसे अच्छा लिख देते हैं एलॉय, ठीक है। इसी तरह से लिक्विड मिला हुआ है सॉलिड में, इसका एग्जाम्पल समझिए कि एक लिक्विड सॉलिड में मिला है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अमलगम्स। अमलगम क्या होते हैं, तो मरकरी के फॉर्म में, मरकरी में जब मेटल पाया जाए, चाहे सोडियम हो, कॉपर हो, जिंक हो, ये सब जब मेटल मिक्स हो जाता है इस मरकरी में, तो उसी को अमलगम बोलते हैं। अब मरकरी के बारे में आप जानिए, वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और उस वो जो है मिक्स हो जाता है इन मेटल्स में, तो मेटल के फॉर्म में मिक्स हो जाएगा। इसका मतलब ये दिखने में तो मेटल जैसा होगा लेकिन उसमें मरकरी मिक्स है। तो एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं अमलगम ऑफ मरकरी इन, कोई भी ले लेते हैं मेटल, सोडियम, हालांकि यहाँ सोडियम, कॉपर, जिंक ले सकते हैं, इन सब में मिक्स हो सकता है ये अमलगम। अगला देखिए गैस मिला हुआ है सॉलिड में, इसका एग्जाम्पल तो एक पैलेडियम मेटल होता है। ये पैलेडियम मेटल का खासियत होता है कि हाइड्रोजन गैस को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। तो हाइड्रोजन एक गैस है और वो पैलेडियम मेटल में मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ये एग्जांपल हो सकता है इसके लिए, हाइड्रोजन इन पैलेडियम। इसके अलावा सॉलिड मिला हुआ है लिक्विड में, इसका तो बहुत सारा एग्जाम्पल है, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, ये सब हो सकता है एग्जाम्पल। चलिए यही लिख लेते हैं हम लोग कि सॉल्ट इन वाटर। दूसरा लिक्विड मिला हुआ है लिक्विड में, तो एसिड इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर, ये सब हो सकता है एग्जाम्पल में। ये लिख लेते हैं अल्कोहल इन वाटर। अगला देखिए
अगला क्या है, गैस मिला हुआ है लिक्विड में, सोचिए क्या होगा। तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन मिला रहता है जिसके कारण एक्वाटिक लाइफ सर्वाइव हो रहा है। तो गैस इन वाटर यानी ऑक्सीजन इन वाटर बोल सकते हैं हम लोग, या और भी देखो कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, तो ये भी एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं ऑक्सीजन इन वाटर, ये एग्जाम्पल हो गया। अगला देखिए कि सॉलिड मिला हुआ है गैस में, इसका एग्जाम्पल, तो सॉलिड गैस में मिला हुआ हो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वैसे सब्सटेंस जो सब्लिमेट होते हैं। सब्लिमेट मतलब गर्म करो तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल कैम्फर, फॉर एग्जाम्पल नेपथेलिन बॉल, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, ये सब तो गैस में ही मिक्स हो जाते हैं, मतलब गर्म करो तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस हो जाएंगे, वो लिक्विड नहीं बनते हैं। तो ये सब इसका एग्जाम्पल बोल सकते हैं हम लोग कि कैम्फर इन एयर। अगला देखिए लिक्विड मिला है गैस में, इसका एग्जाम्पल, तो वेपर इन एयर, एटमोसफेयर में वेपर प्रेजेंट है, तो वेपर इन एयर या मॉइस्चर इन एयर बोल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट गैस मिला हुआ है गैस में, तो इसका तो एयर खुद ही एक एग्जाम्पल है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, हम लोग तो अभी पढ़ रहे हैं, तो इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा तो एयर ही लिख लेते हैं, या कोई भी पर्टिकुलर गैस को आप एयर में मिक्स कर दो वो भी हो सकता है एग्जाम्पल। तो दीज आर द 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, कंपोजिशन के बेसिस पर यही 9 तरह का सॉल्यूशन होता है। इसके अलावा सॉल्यूशन को और तरह से भी हम लोग क्लासीफाई करते हैं, ये तो कंपोजिशन के बेसिस पर हो गया, कंसंट्रेशन के बेसिस पर, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर, ये सब भी टाइप ऑफ सॉल्यूशन ही है। तो अब हम लोग दूसरे तरह के टाइप से, हम लोग कंपोजिशन तो हो गया, कंसंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर सॉल्यूशन को समझते हैं कितने तरह का होता है। सो कि ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी कितने तरह के सॉल्यूशन होते हैं, तो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर सॉल्यूशन का कितना टाइप है। तो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर सॉल्यूशन का टाइप समझने से पहले सॉल्युबिलिटी क्या होता है पहले उसी को समझ लें। सॉल्युबिलिटी किसको बोलते हैं वो समझिए, देखिए सॉल्युबिलिटी क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं घुलनशीलता यानी घुलने की क्षमता, डिजॉल्विंग कैपेसिटी, यानी कि द डिजॉल्विंग कैपेसिटी ऑफ ए सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, किसी गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पर एक सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है या एक सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट हो सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, एग्जांपल के लिए कि जैसे सपोज करिए, सपोज क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 35.5 ग्राम सॉल्युबिलिटी है कॉमन सॉल्ट की 1 लीटर पानी में, यानी कि 1 लीटर पानी में 35.5 ग्राम कॉमन सॉल्ट को हम लोग डिजॉल्व कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा करेंगे तो 35.5 ग्राम तो डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो बच और एक्स्ट्रा डाले हैं वो डिजॉल्व नहीं होकर के बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा। तो यानी कि कैप सॉल्युबिलिटी ही 35.5 ग्राम की है, तो यहाँ से सॉल्युबिलिटी हम लोग समझे, अच्छा कम डिजॉल्व करेंगे तो और हो सकता है डिजॉल्व, उतना कर दे तो उतना तो कैपेसिटी भर डिजॉल्व हो गया, और ज़्यादा अगर करना चाहे तो या तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना होगा या प्रेशर को डिक्रीज़ करना होगा, तो वो सॉल्युबिलिटी कहलाता है। तो सॉल्युबिलिटी को अगर डिफाइन करना चाहे तो हम लोग बोल सकते हैं कि एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, मतलब एक गिवन टेम्परेचर पर कितना ज़्यादा सॉल्यूट को एक सॉल्वेंट के अंदर में या सॉल्यूशन के अंदर में रिजॉल्व कर सकते हैं, दैट इज सॉल्युबिलिटी कहलाता है। अब सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर सॉल्यूशन होते कितने तरह के हैं, तो ये 3 तरह के होते हैं। एक सॉल्यूशन कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और तीसरा होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बारी बारी से हम लोग इसको समझते हैं। हिंदी में बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन को संतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड को असंतृप्त विलयन, और सुपर सैचुरेटेड को परम संतृप्त विलयन। अब ये क्या होता है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, उसको समझिए। सैचुरेटेड का मतलब
कि जितनी कैपेसिटी है एक सॉल्वेंट की अपने अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की, उतना अगर डिसॉल्व हो चुका है एक गिवन टेम्परेचर प्रेशर पर, मतलब टेम्परेचर प्रेशर को चेंज नहीं कर रहे तब, तो वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, मतलब कि एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट देन दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। या और अच्छे से बोलना चाहे तो ऐसे बोल सकते हैं कि व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर देन दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अनसैचुरेटेड क्या होगा, तो जब डिसॉल्व कर सकते हैं, कि व्हेन मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर देन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड क्या होता है, तो ऐसा सॉल्यूशन जो पहले से ही सैचुरेटेड है लेकिन उसकी सॉल्युबिलिटी और बढ़ानी है, उसमें और कोई चीज़ डिसॉल्व करना है, तो दो चीज़ कर सकते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं, प्रेशर को कम कर देंगे, तो उससे उसकी सॉल्युबिलिटी और बढ़ जाएगी। मतलब अ टाइप ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन हुज सॉल्युबिलिटी कैन बी इंक्रीज by increase its temperature and decrease its pressure, then that is called super saturated solution। अब इन तीनों का एक example समझें तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे saturated solution, suppose कि एक glass पानी में 4 चम्मच चीनी को dissolve किया जा सकता है, तो अगर हम लोगों ने 1 चम्मच को ही dissolve किया है तो इसका मतलब और dissolve हो सकता है, 2 चम्मच किया तो और डिसॉल्व हो सकता है, तो ऐसे कंडीशन में सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है। ठीक, अगर 4 चम्मच डिसॉल्व कर दिया हम लोगों ने तो इतना तो पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया, लेकिन और डिसॉल्व जो है नहीं हो सकता है, तो अब ये सॉल्यूशन बन गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अगर हमको और चाशनी बनाना है, और ज़्यादा सॉल्यूट को और ज़्यादा चीनी को डिसॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, तो उसी पानी को गर्म करेंगे, तो गर्म करेंगे तो उसमें और ज़्यादा चीनी डिसॉल्व कर सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो चुका है लेकिन उसकी सॉल्युबिलिटी को हम लोग और इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो कहलाता है हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ गए, इसको और अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपको 4 रोटी का भूख है, आपने 1 रोटी ही अभी खाया है तो आपको भूख लगा हुआ है, इसका मतलब अभी आप अनसैचुरेटेड स्टेज में हैं। 2 रोटी खाए 3 रोटी खाए, जब 4 खा लिए तो आपका पेट तो पूरी तरह से भर गया है, अब और नहीं खाएंगे तो आप हो गए अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब जब खा के उठने लगे तो उधर से मम्मी आई और बोले कि ये 2 लड्डू और खा लो, पेट तो भर गया है अब तो और नहीं खाने का जगह है पेट में, लेकिन 2 लड्डू और खा लो, मन कर गया आप खाने का, तो क्या करेंगे, उठेंगे थोड़ा पेंट बेल्ट ढीला करेंगे, थोड़ा सीट उट एडजस्ट करेंगे और 2 लड्डू और खा लेंगे। तो ऐसे कंडीशन में आप ऑलरेडी सैचुरेटेड हैं लेकिन फिर भी आप और ज़्यादा जो है सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, तो अब आप सुपर सैचुरेटेड फेज में हैं। तो आई थिंक आपको सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड आसानी से समझ में आ गया होगा। इस सॉल्युबिलिटी फैक्टर को लेकर के ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन होता है, इसके लिए हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहाँ हेनरी लॉ वगैरह सब पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगला क्लासिफिकेशन सॉल्युबिलिटी के अलावा ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। अब ये कंसंट्रेशन के बेसिस पर सॉल्यूशन कितने तरह का होता है, तो अगर देखा जाए कि कंसंट्रेशन के बेसिस पर सॉल्यूशन कितने तरह का होता है, तो इसको जानने से पहले कंसंट्रेशन क्या होता है इसको ज़्यादा जानना जरूरी है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कंसंट्रेशन किसको बोलते हैं। तो देखिए, कंसंट्रेशन का मतलब होता है, कंसंट्रेशन मीन्स होता है कि एक सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, इसी को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन। यानी कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स कंसंट्रेशन। अब ये सॉल्यूट का अमाउंट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, और सॉल्यूशन बनता कैसे है तो हम लोगों ने पढ़ चुका है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मिलने से सॉल्यूशन बनता है। तो अगर सॉल्यूट ना बढ़ रहा और सॉल्यूशन का अमाउंट फिर भी बढ़ रहा है, इसका मतलब सॉल्वेंट बढ़ रहा है, तो जब सॉल्वेंट बढ़ेगा यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन बढ़ते चला जाएगा तो कंसंट्रेशन क्या होगा, तो वो डिक्रीज होते चला जाएगा, घटते चला जाएगा। तो इस बेसिस पर अगर देखा जाए तो सॉल्यूशन फिर से 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से, तो एक कहलाता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और दूसरा कहलाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन,
कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब थोड़ा इसको समझ लें कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखिए, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें बहुत कम अमाउंट में सॉल्वेंट प्रेजेंट है या नहीं ही प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर वाटर के केस की बात की जाए, सपोज करो वाटर और एसिड का एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेंस वेरी लेस और नो अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसी तरह से डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, तो अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेंस सफिशियंट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आर कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सफिशियंट अमाउंट में सॉल्वेंट प्रेजेंट है, उस सॉल्यूशन को हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। अब कंसंट्रेटेड को डाइल्यूट या डाइल्यूट को कंसंट्रेटेड किया जा सकता है, सोचिए कैसे। तो अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसको डाइल्यूट करना है तो सॉल्वेंट बढ़ा देंगे, डाइल्यूट है उसको कंसंट्रेटेड करना है तो सॉल्यूट के अमाउंट को बढ़ा देंगे। तो इस तरह से ये दोनों सॉल्यूशन जो है इंटरचेंजेबल है, मतलब कंसंट्रेटेड डाइल्यूट में और डाइल्यूट कंसंट्रेटेड में आसानी से कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। अब ये जो कंसंट्रेशन है ये बहुत सारे तरह का होता है, जो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना भी है। अब बहुत सारा तरह का कैसे आ गया, तो ये जो सॉल्यूट है इसका यूनिट अलग अलग हो सकता है। जैसे सॉल्यूट को हम लोग ग्राम में लिख सकते हैं, इसको हम लोग ml में लिख सकते हैं, kg में लिख सकते हैं, मोल में लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट में लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट में लिख सकते हैं। तो ये सारे टर्म में जब हम लोग लिखेंगे, यूनिट में लिख सकते हैं, तो इन सारे टर्म में अगर हम लोग लिखेंगे तो यूनिट अलग अलग होगा, उस तरह के कंसंट्रेशन को अलग अलग नाम से जानेंगे। इसी तरह से अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन जो है इसका भी तो यूनिट अलग अलग हो सकता है। जैसे इसको लीटर में लिख सकते हैं, इसको kg में लिख सकते हैं, इसको मोल में लिख सकते हैं, इसको इक्विवेलेंट में लिख सकते हैं। तो जब हम लोग इसको भी सॉल्यूशन के अमाउंट को अलग अलग यूनिट के टर्म में लिखेंगे तो उस तरह का कंसंट्रेशन अलग अलग नामों से जाना जाएगा। अब अलग अलग नामों से कौन कौन से तरह का कंसंट्रेशन है जो हम लोगों को पढ़ना है, तो एक वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, उसके बाद मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मोलरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, इतने तरह के कंसंट्रेशन है जो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो उन्हीं सब तरह के कंसंट्रेशन को हम लोग इस चैप्टर में भी पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ कंसंट्रेशन को जानते हैं। तो हम लोग ये समझ चुके हैं कंसंट्रेशन क्या होता है। अब कंसंट्रेशन के बेसिस पर सॉल्यूशन कितने तरह का हो सकता है ये भी जान चुके हैं। अब ये कंसंट्रेशन क्या क्या होता है, कौन कौन सा कंसंट्रेशन है जो सॉल्यूशन के लिए हम लोगों को पढ़ना है, तो उसके हम लोग टाइप को देखेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन को हम लोग पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन के कौन कौन से टाइप हैं जिसको हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में। तो एक तरह का कंसंट्रेशन हम लोग को पढ़ना है W बाय W परसेंट, इसको वेट बाय वेट परसेंट भी बोलते हैं। ये कैसे निकलता है, तो वेट बाय वेट परसेंट कंसंट्रेशन का मतलब हुआ कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, सॉल्यूट के अमाउंट को हम लोग ग्राम में लिखेंगे, ठीक, और डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इसको भी हम लोग लिखेंगे ग्राम में, और इनटू कर देंगे 100। तो इस तरह का कंसंट्रेशन वेट बाय वेट परसेंट के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जांपल कि 10 ग्राम कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो इस ग्राम में जो कॉमन सॉल्ट है वो तो सॉल्यूट है, तो वो 10 ग्राम है डिवाइडेड बाय 90 ग्राम ऑफ वाटर, तो वाटर सॉल्वेंट है। और सॉल्यूशन बनता कैसे है, तो हम लोगों ने पढ़ा ही है कि सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट के मिलने से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के सॉल्यूशन बनाते हैं। तो यानी सॉल्यूशन का वेट कितना हो गया, तो 90 और प्लस 10 यानी 100 ग्राम। तो 100 इंटू 10 कैलकुलेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी इंटू 100 करेंगे ना यहाँ पर, तो ये 100 कट गया, यानी कि 10% वेट बाय वेट कंसंट्रेशन इस तरह से निकलता है। दूसरा वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, W बाय V परसेंट, ये कैसे निकलेगा, तो इसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है उसको लिखेंगे ग्राम में, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इसको लिखेंगे ग्राम में, लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है
उसको लिखेंगे इन लीटर में, तब तो वॉल्यूम पता चलेगा, और इनटू कर देंगे 100, तो ये वेट बाय वॉल्यूम परसेंट हुआ। इस तरह से तीसरा कंसंट्रेशन होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। अब ये कैसे निकलता होगा, तो इसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन लीटर और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑल्सो इन लीटर, लीटर या ml, लेकिन दोनों यूनिट एक जैसा रखेंगे, तो इसको हम लोग वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं। चौथा एक है जिसको हम लोग बोलते हैं PPM। अब इसको समझिए, ये PPM क्या होता है, तो PPM का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, PPM यही है पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन मतलब एक मिलियन मीन्स 10 लाख, 10 लाख में कितना पार्ट प्रेजेंट है सॉल्यूट का, उसी को हम लोग पार्ट पर मिलियन बोलते हैं। इस तरह का कंसंट्रेशन जब बहुत ट्रेस अमाउंट में कोई सॉल्यूट प्रेजेंट होता है एक सॉल्यूशन के अंदर, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसको ऐसे निकालते हैं कि पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10^6, तो ये आपका PPM हो गया कंसंट्रेशन। चौथा, अब चार हो चुके हैं, पांचवा, अब ये थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस तरह के कंसंट्रेशन थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये सब ही यूज होने वाला है आपको एग्जाम में। एक तरह का कंसंट्रेशन कहलाता है मोलरिटी, मोलरिटी, इसको कैपिटल M से भी अपन रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलर कंसंट्रेशन भी इसको बोलते हैं। क्या होता है मोलरिटी, तो मोलरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ये मोल क्या है, तो मेरे ख्याल से ये मोल आप पहले से पता होगा, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, मोल जो है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास, इसको हम लोग मोल बोलते हैं। जैसे 5 ग्राम NaCl, तो इसका मोल निकालेंगे तो गिवन मास 5 ग्राम और डिवाइडेड बाय मोलर मास NaCl का, तो Na का 23 और क्लोरीन का 35.5 यानी 58.5, तो 5 बाय 58.5 कैलकुलेशन करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। और बाकी मोल्स के बारे में मोल कॉन्सेप्ट का एक वीडियो होगा मेरा, उसको देख सकते हैं आप, सीख सकते हैं उसको। तो ये मोलरिटी हो गया। इसको, इसके अलावा एक और तरह का कंसंट्रेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं मोलैलिटी, मोलैलिटी, इसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन, जबकि मोलैलिटी को बोलते हैं मोलल कंसंट्रेशन। हिंदी में बोलते हैं मोलरिटी को मोलरता और मोलैलिटी को बोलते हैं मोललता। अब इसको समझिए मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है, तो इसको निकालते हैं इस तरह से फॉर्मूला पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अच्छा, अभी तक जितना भी हम लोगों ने कंसंट्रेशन पढ़ा है, सब जगह डिनोमिनेटर में हम लोग लिखे मास ऑफ सॉल्यूशन लिख रहे थे या सॉल्यूशन को मेंशन कर रहे थे, मोलैलिटी में हम लोग नीचे में मास ऑफ सॉल्वेंट मेंशन कर रहे हैं। इसका मतलब ये सही मायने में कंसंट्रेशन नहीं है, क्योंकि हम यहाँ नीचे में सॉल्यूशन का जिक्र नहीं है, लेकिन कंसंट्रेशन के साथ ही इसको भी हम लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा छठा जो है, दैट इज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। अब ये मोल फ्रैक्शन क्या है, तो मोल को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना। अब हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बाइनरी सॉल्यूशन कैसे बनता होगा, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के, जैसे सपोज सॉल्यूट को ए बोले और सॉल्वेंट को बी बोले, तो सॉल्यूशन ए बी है। तो मोल फ्रैक्शन अगर निकालना चाहे तो वो ए का भी निकाल सकते हैं, बी का भी निकाल सकते हैं, दो से अधिक कंपोनेंट हो तो ए प्लस बी प्लस सी है तो सी का भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इस तरह के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। इसी तरह से अगर हम लोगों को निकालना मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो उसको कैसे निकालेंगे, तो मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो ये मोल फ्रैक्शन इस तरह से कैलकुलेट होता है। अच्छा, मोलरिटी का यूनिट हो गया मोल पर लीटर, मोलरिटी का यूनिट हो गया मोल पर केजी, जबकि मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, तो मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, अंडरस्टूड। तो इतने तरह का कंसंट्रेशन है जो हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है, तो इन सारे कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, और अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग कंसंट्रेशन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे न्यूमेरिकल कैसे बनता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, जुड़े रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।